नमस्कार दोस्तों, A1 के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। सहदेव सिद्धार्थ जी का सवाल है, आहूजा SSA 250 में ड्राइवर यूनिट ज़्यादा आवाज़ देगा या आहूजा BR 250A में। तो सवाल तो वही है, तो चलिए बात करते हैं। तो इनका सवाल के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो दो चीज़ इन्होंने बताया है, एक तो है SSA 250M, दूसरा है BR 250M। तो ये दोनों में पहले क्या अंतर है वो पहले जान लेते हैं। और इसका मतलब यह है मिक्सर एम्पलीफायर और दूसरा है बूस्टर एम्पलीफायर। तो ये दोनों में क्या अंतर है? आप एक है ये आपकी मिक्सर एम्पलीफायर है, दूसरा है बूस्टर एम्पलीफायर। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो पहले हम लोग जान लेंगे। देखिए, ये है बूस्टर एम्पलीफायर आपके सामने, आप देख सकते हैं कि आहूजा की BR 250M बहुत ही अच्छी एम्पलीफायर है। तो आपको बताता हूँ कि यह है हाई वाटेज PA पावर एम्पलीफायर। तो ये है आपकी हाई वाटेज PA मिक्सचर एम्पलीफायर। पहली जो डिफरेंस है ये दोनों में, ये है मिक्सचर एम्पलीफायर जो जो है SSA 250M, और वाटेज देखिए ये भी 250 वाट की है और ये भी 250 वाट की। हालांकि ये 300 वाट तक की लोड दे सकता है, ये भी 300 वाट तक जा सकता है। अब डिफरेंस क्या है? अब देखिए, मिक्सचर एम्पलीफायर क्या होता है, मिक्सर क्या होता है, जो कि बहुत सारे आप इसको इनपुट देंगे और उसके बाद उसमें उधर से आउटपुट लेंगे। तो ये होती है मिक्सर एम्पलीफायर की काम भी वही है, बहुत सारे इनपुट आप उनको देंगे और वहां से आउटपुट लेंगे। लेकिन बूस्टर एम्पलीफायर में क्या है, ये है आपकी PA पावर एम्पलीफायर। इसमें क्या है, इसमें आपको बस पावर के लिए, एक चीज के लिए, मतलब इसको बस इनपुट देंगे, इसमें आउटपुट लेंगे। बहुत सारा इनपुट इसमें नहीं देना है, इसको एक इनपुट देना है और एक आउटपुट। बैक पैनल दिखा देता हूं, आपको पता चल जाएगा। देखिए, इसकी बैक पैनल अगर देखेंगे बूस्टर में, BR में, बस एक इनपुट दिया और यहां से आउटपुट दिया। लूप आउटपुट यहां से नहीं है, ये इसमें इनपुट है एक, और दूसरा जो है, दूसरा एक और एक बूस्टर एम्पलीफायर या एम्पलीफायर को लूप करने के लिए है। मतलब यहां से आप दूसरे एम्पलीफायर को लूप कर सकते हैं और उधर से भी बस दूसरे एम्पलीफायर की इनपुट में, जैसे यहां एक इनपुट है, इस इधर ले आउट लेना है, दूसरे के इनपुट में डालना है, ऐसे ही आप फिर से और एक लूप ले सकते हैं। इसका आउटपुट लिया, दूसरे में इनपुट किया, ऐसे करके आप कम से कम चार तो आप लगा सकते हैं, कम से कम, जिसमें आप ऐसे चार लगा देंगे तो 1250 वाट अप्रोक्सीमेटली आपको आ जाएगा। तो बूस्टर एम्पलीफायर यही होता है कि पर्टिकुलरली एक, और दोनों देखने में, आप देखिए पीछे आप 70 वोल्ट, 100 वोल्ट यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं और यहाँ पे भी आप ओम वाला भी लगा सकते हैं, बॉक्स भी लगा सकते हैं, स्पीकर भी लगा सकते हैं, दोनों में सेम है। आप दिखा देता हूँ बैक पैनल, तो देखिए सेम है। तो अब उनके सवाल के ऊपर चलेंगे कि यहाँ पे अगर ड्राइवर यूनिट ये लगाते हैं तो किस में पंच ज़्यादा आएगा क्या? देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए दोनों की फायदा अलग अलग है। आप मिक्स, ये देखिए SSA 250 मल्टीपर्पज है ये, इसमें आप आगे की जितने जाके उसमें आप माइक्रोफोन डाल सकते हो, और देखिए पीछे भी इसकी बहुत फैसिलिटी है। देखिए SSA 250M पे आप AUX 1, AUX 2 दो दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी दो इनपुट दे सकते हैं, मिक्सर से भी आप इधर दो मिक्सर को आप इनपुट भी दे सकते हैं, कहीं से बाहर का कोई भी कीबोर्ड प्लेयर कुछ भी आप यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं। आप मोबाइल का इनपुट भी यहाँ पे दे सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि प्रीएम्प आउट हम कहाँ ले सकते हैं। देखिए प्रीएम्प आउट और एक आप PA एम्पलीफायर में आप दे सकते हैं, तो वहां पे भी आप फिर से वहां से आप बॉक्स लगा सकते हैं। लाइन इन, देखिए लाइन इन आप कहाँ से कर सकते हैं? लाइन इन आप CD प्लेयर, माइक्रोफोन्स, आप मिक्सर से, आप देखिए मिक्सर से डायरेक्ट आउटपुट लेके आप लाइन इन में दे सकते हो, और लाइन आउट जो है आप वहां पे लेके बूस्टर एम्पलीफायर लगा सकते हो वहां पे। तो इसमें बहुत सारे फैसिलिटीज है, ऐसा नहीं कि 250M पावर वाइज बहुत सेम है। अब देख एक चीज है, देखिए बूस्टर का काम बस एक ही होती है कि इसमें इनपुट दो और आउटपुट लो, सीधी सी सिंपल सा सर्किट है। और इसमें क्या है, मिक्सर है, इस मिक्सर वन टाइप ऑफ मिक्सर है 250M जो है, बहुत सारा इनपुट दो और बहुत सारा आउटपुट भी लो। तो अगर एक चीज के लिए वो डेडिकेटेड रहेगा, पावर वाइज तो दोनों सेम है, अगर हाँ ऐसा बोल सकते हो, थोड़ा बहुत पंचेस तो रहेगा ही बूस्टर में, लेकिन ऐसा नहीं कि ये खराब है वो अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं। अगर आप इसको 250 लेते हैं, उससे लूप करते हैं बूस्टर, बहुत अच्छा रहेगा। आप यहाँ पे दो 120 DX यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं चलेगा, बस देखिए 120 DX यहाँ पे, BR पे देखिए यहाँ पे, बस यहाँ पे आपको लगाना क्या है, यहाँ पे आप PA एम्पलीफायर को मिक्सर की डायट आप दे सकते हैं और आउटपुट डायट आप देखिए कैसे ये लूपिंग किया है, यहाँ से जैसे कि बैक पैनल PA एम्पलीफायर से लेके आया और यहाँ पे इनपुट दिया और यहाँ से फिर लेके गया और एक बूस्टर में दिया, बस इसको लूपिंग के लिए अगर आप यूज करें।
और पी एम्पलीफायर को आप यूज करें आपकी मल्टीपर्पज वार के लिए। तो दोनों में आप पावर सेम पाओगे, बूस्टर थोड़ा थोड़ा आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि देखिए इसमें अगर आप कनेक्शन की बात की जाए तो दोनों में सेम वही 300 वाट की या 3 लग जाएगी, दोनों में लगेगी। 250 DX जैसे बात किया था कि 4 ओम पे 2 250 DX लग जाएंगे आराम से, 8 ओम वाला स्पीकर, वही 200 200 वाट 400 वाट मैक्सिमम पैरेलल पे 4 ओम पे लग पाएगा। या सैक्स 150 DX की 2 बॉक्स आप लगा सकते हैं, वही 300 वाट अप्रोक्सीमेटली होगा। तो ऐसे लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और याद रखिए कि एक साथ आपको ड्राइवर और ये नहीं लगाना है। बहुत लोग पूछते हैं भाई एक साथ ओम लाइन और ये वोल्ट लाइन एक साथ नहीं लगाना है, मैं आप बहुत टाइम में बोला हूँ इसमें। आप देखिए बहुत लोग पूछते हैं क्यों। अब देखो भाई मैं तो बोला है कि यहाँ पे 100 वोल्ट की 25 ड्राइवर लगा सकते हैं, 25 × 25 वो जो कि आप 10 वाट का है तो 250 वाट, सबको 10 10 वाट की टैप अगर लगाते हैं। ये देखिए ये सारा चीज़ अंदर रहता है, ये LMT वाला है। 10 वाट का अगर एक ड्राइवर होगा तो इसमें 25 ड्राइवर लगेंगे, सीधा हिसाब है। 100 वोल्ट लाइन है, आपको 25 × वहाँ पे देखिए आप 250 वाट बस यहाँ पे लगा पाएंगे, लेकिन वहाँ पे आप 400 वाट लगा रहे हैं ओम लाइन पे, तो वो चीज़ है। लेकिन 100 वोल्ट लाइन में आपको 25 ही लगा पाएंगे। लगाना कैसा है, सिंपल वही पैरेलल ही लगा देना है कॉमन और 100 वोल्ट में सीधी सी लगाना है, तो वही है। ऐसा है आप कम्बिनेशन करके लगा सकते हैं, वही वोल्ट वोल्ट वाटेज को आप डिवाइड करके लगा सकते हैं, वाल वाला लगाओ जो भी लगाओ वही सेम है। तो बूस्टर लगाने से अब ठीक है, आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।